अपडेट देने क्रम में हम आ गए हैं सोनपुर में और आपको अपडेट देने जा रहे हैं सोनपुर दीघा ब्रिज के नॉर्थ साइड ऑफ अप्रोच रोड का। क्या स्थिति है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, क्या कुछ देखने को मिलता है, चलिए देख। सामने दीघा सोनपुर ब्रिज के अप्रोच रोड का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम इसलिए हैं, इतनी दूर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपको हम डिस्टेंस भी बता दें। यहाँ पे माँ अंबिका स्थान 26 किलोमीटर है, आमिर माँ थाए वाली मंदिर यहाँ से 128 किलोमीटर है, बाबा हरियानाथ मंदिर 6 किलोमीटर है, विश्व शांति स्तूप वैशाली 41 किलोमीटर है, बापू धाम चंद्रहिया 135 किलोमीटर है और गांधी आश्रम भीतीहरवा 215 किलोमीटर है। इन सब के लिए चार स्थान के लिए राइट जाना होगा और दो स्थान के लिए लेफ्ट जाना होगा। तो ये है, अब उस तरफ से भी दिखा देते हैं आपको। इसके बाद यहाँ से श्री हांडी साहिब 12 किलोमीटर, बिहार विद्यापीठ 13 किलोमीटर, गोलघर 16 किलोमीटर, गांधी संग्रहालय 12.3 किलोमीटर, गांधी मैदान 16.9 किलोमीटर, सम्राट अशोक मिशन के 17 किलोमीटर। ये टोटल जो डिस्टेंस दिया गया है इस बोर्ड पे, ये टोटल टूरिस्टों के ख्याल से बनाया गया है और दोनों साइड में वही है। और इस तरफ ये देख सकते हैं अभी तक क्या हो रहा है। अभी तक हो रहा है कि लेफ्ट और राइट जो रास्ता देख रहे हैं बीच में, उसके लेफ्ट और राइट से गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, वही मार्ग है। वहाँ से फिर आगे दाहिना मुड़ना पड़ता है या फिर बायां मुड़ना पड़ता है। और अब तो सर्विस लेन हो गया है तो सामने भी लोग गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन जब ये चालू हो जाएगा जो इसका अप्रोच रोड है नॉर्थ साइड का दीघा सोनपुर ब्रिज का, जब ये चालू हो जाएगा तो लोग यहाँ से सीधे जिनको NH पे जाना है, 4 लेन पे जाना है या पुराने वाले NH पे जाना है, वो सीधा यहाँ से चढ़ेंगे और वहीं उतरेंगे। बीच में एक पुराना वाला NH मिलेगा और रेलवे लाइन है वो मिलेगा। हम चलेंगे अभी पीछे, इसके पहले भी मैंने वीडियो दिखाया था, पूरा राइट किया था, इस बार भी दिखाएंगे और देखेंगे कि आगे कितना वर्क प्रोग्रेस। अभी हम जहाँ पर हैं वो है बजरंग चौक, और यहीं से लोग पहले जिनको छपरा की तरफ जाना होता था तो वो सामने वाले रास्ते चले जाते थे, अब तो ये वाला रास्ता खुल गया है तो ये तरह चले जाते हैं। और वहाँ पे बोर्ड भी लगा है, पहला जगह 1.5 किलोमीटर राहर दियारा 4.44 किलोमीटर इधर दाई ओर, सोनपुर दाई ओर 6.3 किलोमीटर, हरियरनाथ मंदिर दाई ओर 6.5 किलोमीटर, गजग्रह चौक 7.5 किलोमीटर सामने जाके बायां ये जाना है, हाजीपुर 8 किलोमीटर, छपरा यहाँ से 54.50 किलोमीटर बाईं ओर। लेकिन अब उस बोर्ड का कोई मतलब नहीं रहा है, अब एरो को घुमाना पड़ेगा क्योंकि अब वो रास्ता चला जाता है पुराने वाले NH पे। और जब ये बन गया है तो ये जब चालू हो जाएगा तो ये चला जाएगा पुराने वाले NH पे, नए वाले 4 लेन पे। और ये देख सकते हैं जो बिजली के खंभे हैं, जो लाइट पोस्ट है वो लग गया है, हालांकि ऊपर अभी लगना बाकी है, खंभे लग गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बजरंग चौक के पास के। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की स्थिति दिखाते हैं कि आगे क्या कुछ देखने को। इस तरफ का काम अंतिम चरण में है और ये हमें लगता है कि ये भी नवंबर तक कम से कम यहाँ तक तो चालू हो जाएगा। ब्लैक टॉप किया गया है ये देख सकते हैं, और
ब्लैक टॉप करने के बाद इस पर पाउडर का छिड़काव भी किया गया है। उस तरफ तो है ही, उधर अभी बाकी है और ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी मिट्टी भरने का काम पिछले बार मैं जब आया था और अभी देख सकते हैं, ये बस थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी लेबलिंग किया गया है। इस पार से भी तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। पूरा क्रॉस करने के बाद हम इस तरफ आ गए हैं। ये जो रैंप यहाँ पे गिर रहा है, पुल तो खैर ऊपर उठेगा और उस पार जाकर के फोर लेन मिलेगा, लेकिन ये रैंप यहाँ पुराने वाले एनएच में जो हाजीपुर छपरा मार्ग है, जो पटना छपरा मार्ग है, जो एनएच 19 है जिसमें मिल रहा है, और जो गाड़ियाँ उधर से आएगी या हाजीपुर सुनपुर की तरफ से आएगी वो या तो इधर से चढ़ जाएगी या उधर से उतर जाएगी वहाँ जाने के लिए। ये तस्वीर देख सकते हैं, और ये उस फ्लाई ओवर का के मिट्टी भरने का काम चल रहा है। उस लेवल में जाना है, उसे काफ़ी हाइट यहाँ से देनी है, तभी वो फ्लाई करेगा, सीधा चढ़ेगा। तो ये तस्वीर है। अब उस तरफ चलते हैं, उस तरफ देखते हैं ये काम शुरू हुआ है कि नहीं। सामने जो प्रणाली एनएच देख रहे हैं उसके आगे काम शुरू हुआ है कि नहीं। सामने प्रणाल एनएच और ये गडर यहाँ पे रखा हुआ है। पाया बनने के बाद ये गडर इस पर लॉन्च होगा। उस तरफ गडर का निर्माण चल रहा है, ये यहाँ का प्रोग्रेस है। और वही यहीं से जब ये डाउन होगा, ये यहाँ से जो अप्रोच रोड शुरू होगा, मिट्टी वाला पार्ट। तो ये तस्वीर है। सामने गोविंद चक का स्कूल है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है। गार्डर के कंक्रीट करने के लिए सरिया वगैरह बांधा जा रहा है, और उधर पियर कैप अभी नहीं बना है, पियर कैप के लिए भी उधर काम चल रहा है। तो ये है अपडेट। रेलवे लाइन के उस पार तो पानी था और अभी हमको नहीं लगता है कि उस तरफ काम शुरू हुआ होगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोविंद चक की, जो दीघा सोनपुर ब्रिज का जो अप्रोच रोड बन रहा है और गोविंद चौक को क्रॉस करेगा फ्लाईओवर की मदद से। वो मेरी बाई ओर प्रणावला एनएच है, जो मैंने बता दिया है पहले भी। ये देख सकते हैं पियर कैप बन गया है, गडर रखा हुआ है और कुछ गडर को कास्ट करने का काम चल रहा है। जो रखा जाएगा ऊपर, लॉन्च किया जाएगा। ये तस्वीर है आपके सामने। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, बार बार नहीं। अगर बटन लाल दिख रहा है तभी उसे प्रेस कीजिए, काला दिख रहा है तो मत कीजिए, आपने सब्सक्राइब कर रखा है। तो फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय।